हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स साथ ही साथ बीएससी वालों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में साथ ही साथ आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार आते हैं और इसके क्वेश्चन आपको बहुत जगह पर दिख जाएंगे। साथ ही साथ इसे लेबनीज थ्योरम जो होता है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेबनीज थ्योरम का पढ़ेंगे, वो भी इसी से रिलेटेड होता है, तो कभी कभी उसका प्रूविंग भी आपको दे दिया जाता है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड देन लेटर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक्स व्हिच विल बी इनसाइड दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसानी से समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और इसके बाद हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल करेंगे जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। बिफोर दैट यू हैव मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड विद योर सपोर्ट, और मैं इसी तरीके से आप सभी के लिए वीडियोस लाता रहूंगा। ओके, सो समझते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके, तो कह रहा है पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एंड देन हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो कह रहा है कि इफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वाई जो एक्स वेरिएबल वाला होगा, लेट अस सपोज जैसे कि हमारे पास है वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स वाला एक हमारे पास फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? फंक्शन है, जहां पे x क्या है? इस फंक्शन का वेरिएबल है। ओके, तो क्या कह रहा है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट्स डिफरेंशियल कॉफिशियंट इज dy अपॉन dx, तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका डिफरेंशियल कॉफिशियंट क्या होता है? dy अपॉन dx। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल कॉफिशियंट क्या होगा? dy अपॉन dx। देन डिफरेंशियल कॉफिशियंट ऑफ इट्स हायर ऑर्डर विल बी, अब कह रहा है कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं y का x के रिस्पेक्ट में, तो उसे लिखते हैं dy अपॉन dx। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमें इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने हों, तो इसका जो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हम लोग ने dy अपॉन dx करा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या लिखेंगे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, सिमिलरली फोर्थ फिफ्थ करते जाएंगे और एक ऐसा हम लोग किसी रेंज में पहुंचेंगे जहां पे हम लोग नंबर को डिफाइन नहीं करते हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? d टू द पावर n y अपॉन डी एक्स टू द पावर n, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक अप्रोच होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन का हायर ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। यही होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हायर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, जहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा लाइन लिखा हूं मैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हायर और nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यही मैं यहां पे आपको बता रहा था। ओके, अब देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को बहुत सारे मेथड से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जैसे कि यहां पे देख सकते हो d अपॉन dx टू द पावर n y, तो ये भी एक nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। साथ ही साथ आप इसे d की पावर n y भी लिख सकते हो, ये भी nth का ही मेथड है, इसे बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, है ना। इसी तरीके से y n, ये भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, d टू द पावर n y अपॉन dx टू द पावर n, जो हम लोग ने अब देखा था वही यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ। ओके, और एक और तरीका होता है y टू द पावर n के हेल्प से, जैसे कि हम लोग लिखते हैं y फर्स्ट ऑर्डर को इस तरीके से, सेकंड ऑर्डर को इस तरीके से, इसी तरीके से nth को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल मैं लिया हूँ, हमें क्या करना है nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m निकालना है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, निकालेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, सिमिलरली हम लोग nth ऑर्डर निकालेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा यही क्या कहलाता है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहलाता है। और इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जिसके थ्रू हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, बट इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम दैट हाउ वी विल फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर m। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं देखो, फर्स्ट ऑर्डर निकालना आप सभी को आता होगा। अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि हमारे पास ax प्लस b टू द पावर m जो है ये एक fx फंक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास y एक है y इक्वल टू fx, तो y हमारे पास दे रखा है y इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर m। ओके, नाउ हमें क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस ax प्लस b टू द पावर m। हाउ वी विल डू दैट? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर निकालता हूँ। अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, x टू द पावर n का अगर हमें डेरिवेटिव निकालना होता है तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस वन। सिमिलरली यहाँ पे क्या है ax प्लस b टू द पावर m है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m ax प्लस b टू द पावर m माइनस वन। बट यहाँ पे x के साथ एक कांस्टेंट लगा हुआ है, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड में आता है। ओके, सो यहाँ पे a आ जाएगा, पीछे मैं मल्टीप्लाई में लगा दिया, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा इस y इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर m का।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं। सेकेंड ऑर्डर को वाई टू लिखो या फिर आप इसे डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हो। इसी तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑर्डर निकालेंगे तो ए और एम तो कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को ऐसे ही लिखते हैं ए इंटू एम। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस वन का निकालेंगे, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस वन माइनस वन एम माइनस टू, और साथ ही साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो एम इंटू एम माइनस वन हो जाएगा, है ना। और फिर से यहाँ पे देखो एक्स के साथ ये ए लगा हुआ है तो ए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई में आएगा तो ए इंटू ए इस बार ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर निकालते हैं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू यहाँ पे स्क्वायर होगा। ओके, नाउ ये क्या हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वाई। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, ये सारे तो कॉन्स्टेंट हैं तो ए स्क्वायर एम एम माइनस वन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो ऐसे रखो। अब इसका निकालते हैं डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा एम माइनस टू मल्टीप्लाई में आएगा और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस टू माइनस वन क्या हो जाएगा एम माइनस थ्री हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने इसका थर्ड ऑर्डर निकाला, साथ ही साथ एक्स के साथ कॉन्स्टेंट क्या है ए है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ए स्क्वायर नाउ बिकम ए क्यू। ओके, सिमिलरली अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फोर्थ ऑर्डर निकालते हैं। देखो मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपका एक पैटर्न फॉर्म होगा, देखना आप। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो ए और एम आया, सेकेंड ऑर्डर निकाला तो ए जो था ए स्क्वायर हो गया, थर्ड ऑर्डर निकाला तो ए क्या था हो गया ए क्यू हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में वाई वन जब निकाला तो एम था, वाई टू में एम इंटू एम माइनस वन, वाई थ्री में एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू। और यहाँ पे भी देखो यहाँ पे एक्स प्लस बी में पहले एम माइनस वन था फिर एम माइनस टू फिर एम माइनस, एक पैटर्न फॉर्म कर रहे। सिमिलरली अगर हम लोग फोर्थ ऑर्डर ना निकाल के डायरेक्ट अगर हम लोग एनथ ऑर्डर निकाले तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई एन। तो एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखो ए क्यू क्या बन जाएगा, अगर इस पैटर्न को सिमिलरली हम लोग देखें तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर निकाला था तो ए क्यू था, अब एनथ निकाल रहे हैं तो ए टू द पावर एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकाला है तो एम एम माइनस वन एम माइनस टू तक गया, एम माइनस थ्री तक नहीं गया, थ्री था तो टू तक गया, तो एनथ निकाल रहे हैं तो एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू, और ये हम लोग आगे चलते हैं एम माइनस थ्री, और ये कहाँ तक जा सकता है, ये हम लोग एम माइनस एन प्लस वन, क्यों, क्योंकि थ्री था तो टू तक है, तो यहाँ पे एन जो है तो यहाँ पे एन प्लस वन तक चलेंगे, यानी कि थ्री था तो यहाँ पे थ्री माइनस वन टू तक है तो एम माइनस एन प्लस वन, यानी कि उससे एक थोड़ा पीछे, है ना। तो ये करा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो इस पैटर्न को लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे यहाँ पे मैंने करा। इसके बाद देखो अब हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे वाई एन क्या हो जाएगा, एन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पे ए टू द पावर एन को तो ऐसे ही लिखेंगे, है ना। अब देखो इसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा एम एम माइनस वन एम माइनस टू, अब देखो ये आगे हम लोग क्या है एम माइनस एन प्लस वन, तो इसे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इसे एक फैक्टोरियल के फॉर्म में बनाने का कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे कि हमारा फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वे में रहे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम माइनस एन, इसके अगले वाला जब इसमें वन माइनस करेंगे फिर इसके अगले वाला क्या हो जाएगा एम माइनस एन माइनस वन, फिर ऐसे ही हम लोग चलेंगे थ्री टू वन कुछ आएगा फैक्टोरियल के फॉर्म में करेंगे तो, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा, है ना। तो और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने इतना टर्म जो है इसमें इतना टर्म्स ये हम लोगों ने जोड़ा है तो इसे हम लोग डिवाइड भी करेंगे एम माइनस एन एम माइनस एन माइनस वन, और ये हम लोग थ्री इंटू टू इंटू वन, है ना। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताया हूँ। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ वाई एन इक्वल टू ए टू द पावर एन, और ये एम जो है मल्टीप्लाई होकर कहाँ तक जा रहा है वन तक जा रहा है, यानी कि एम का फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, ये देखो एम माइनस एन एम माइनस एन माइनस वन, और ये फिर ये भी क्या जा रहा है वन तक जा रहा है तो एम माइनस एन का फैक्टोरियल, है ना, एम माइनस एन का फैक्टोरियल हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखो इसके बाद हमारा क्या है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम माइनस एन, तो यही हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के हेल्प से हमारा फाइनल nth ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया ए एक्स प्लस बी टू द पावर एम का। तो यहाँ पे क्या करा, फर्स्ट ऑर्डर निकाला, सेकंड निकाला, थर्ड निकाला, फिर हम लोगों ने एक पैटर्न को फॉर्म करा, पैटर्न फॉर्म करने के बाद हम लोगों ने इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दिया। तो ये क्या था, एक सक्सेसिव वे में हम लोगों ने इसके nth ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाला है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, किस तरीके से हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं।
आने वाले वीडियोस में हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला देखेंगे, बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे, जिसका स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे, जिसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हम लोग सीखेंगे, जो जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और साथ ही साथ सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।